मॉर्निंग फ्रेंड्स। और मॉर्निंग हो गई है, अब ये हमारे सब जने उठ गए हैं। अशोक जी उठ गए हैं, नवनीत भाई इधर उठ गए हैं, बैठे हैं, नज़ारे का मज़ा ले रहे हैं मौसम का। और ये पीछे रेस्ट हाउस है हमारा, कैमरा सेट है हमारा निकॉन 1000 125X रूमिंग के लिए। सामने अभी हमने देखे हैं जानवर वगैरह पहाड़ पे। इस पर कैसा रहा आपका अशोक जी? बहुत बढ़िया, मज़ा आया। रात को नींद आ गई थी? अच्छी सुबह। और नवनीत भाई आपका कैसा रहा एक्सपीरियंस? फर्स्ट टाइम, बहुत बढ़िया। तो अब आगे का क्या प्लान है? चलते हैं अब रीठा साहिब की तरफ। अच्छा, जंगल में घूमते हो घामते? ठीक है। ये आगे जो पगडंडी जा रही है नीचे, बच्चे वगैरह जा रहे हैं, श्रद्धालु जा रहे हैं आगे, यहीं से हम जाएंगे आगे रीठा साहब। और फिर आपको आगे अब रास्ते पे मिलते हैं। सब हम निकल चुके हैं सब जने एक ही गाड़ी में। अशोक भाई हो गए, नवनीत भाई हो गए, डेविड भाई हो गए और मैं हो गया। तो हम तीनों जने, बेटा एक झंडा थल्ले ले पा के जरा सीधा कर दें। बस, थैंक यू। तो अब हम जा रहे हैं गुरुद्वारे की तरफ, यहाँ से अपने रस पॉइंट से पीपल रेस्ट हाउस से हम निकल रहे हैं। ये जा रहा है, अभी आपको नीचे भी दिखाते हैं कि कितने श्रद्धालु आए हुए हैं। और यहाँ पे लंगर लगा हुआ था, एक्चुअली रात को लेट पहुँचे ये लोग। चलिए अब आगे दिखाते हैं।
जाएंगे इससे पूछना। अरे ये पार्किंग ये दूसरी गाड़ियाँ चढ़ जाएंगी इसमें, हमारी तो आ जाएगी। चलो वही मैं पूछ रहा हूँ, हाँ नहीं आ पाएगी ये, नहीं आ पाएगी आपकी, नहीं आएगी। जब बेटा पुत्र की हार हो, बेटा अपना मरना आनंद हो, मरना है।
फाइनली रीठा साहब गुरुद्वारे पहुंच गए हैं। ये मेरे पीछे देखिए गुरुद्वारा है और बहुत अच्छे हमने दर्शन कर लिए। अभी लंगर छकने जा रहे हैं और फिर बैक फ्रॉम जंगल रूट टू होम। सी यू देयर। जानवरों का डर है यहाँ पे तो हमें टाइमली निकलना पड़ रहा है। वैसे भी शाम को जंगल में रहना अच्छी बात नहीं है।